देखो लगाओ ना भैया। ओ अरे ऊपर आओ, ऊपर निकल गया। जल्दी भागो, जल्दी भागो। पत्थर के नीचे ही है। ओ वो गुया आया, बाहर आ गया, मुंह आ गया। अरे वो कहाँ दिख रहा है? ये सामने मुंह दिख रहा। दीवार पोली यार तुम्हारी। उधर क्या है? उधर सुखला है, पूरा पूरा सुखले। ये साइड तो नहीं आया है। हाँ वो दीवार के अंदर ही है। पूरे घर में चलता रहता है सर, ये पूरे घर के अंदर चलता रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरपमित सरफराज खान में। आज की रेस्क्यू कॉल हमें ग्राम भैंसागढ़ा से मिली है और आप देख सकते हैं ये किसानों के घर हैं और दीवार भी कच्ची है और मकान भी कच्चा बना हुआ है और उस तरफ बिल्कुल भूसा भरा हुआ है और इस तरफ कच्ची दीवार। और सांप भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है और यह सांप एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा भारतीय नाग है जो पूरे भारतवर्ष में हर जगह पे पाया जाता है। ये जहरीला सांप होता है, आप देख सकते हैं इसको। और सांप एक ऐसा जीव है जो कि नाम लेते ही हर इंसान डर जाता है। तो इस सांप को हम कहां से और किस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे पहले देखते हैं, तब तक बने रहें वीडियो में। केलू उठा के देखे क्या सर इसके ऊपर से? तो ऊपर चले तो चालू यार। अन्नड़ी करे बाद यहाँ, ये आपके पैरों की ये छिल गई है, पट्टी पड़ी ना यहाँ से। उधर नहीं, उधर नहीं, थोड़ा इधर 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 आगे वाले इधर से ये जगह ही पैर है। यहाँ करंट बंद कराओ कर इसी जगह भैया। ये यहाँ 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 यही दिख रहा है आपको? खोदे क्या इसको? खोद दूंगा नीचे से। बाहर लोग चिंता है। आप ही चलो, ये पलंग उधर ले लो। बाहर भी घूम देखो पहले बात ही। शुक्ला तो एक चलो वो लगा ले उन्हें चला दी फोन। यहाँ वो तो यहाँ था। हाँ यहाँ तो खोलो। हाँ यहाँ था तो इधर ही कुछ होगा। हाँ यहाँ तो ना हो यहाँ पूरी तो पूरी है, पूरी है। देखो लगाओ भैया। अरे ऊपर आओ, ऊपर निकल गया। इधर आ गया, इधर आ गया।
जल्दी भागो जल्दी भागो। वही तो क्या मैंने क्या ऊपर ऊपर इधर आओ इधर आके। ये दीवार भी है क्या? सूख ले मसान थोड़ी जा ऊपर जा जान सूख लाड़ी जा सूख लाड़ी नहीं ला पता नहीं पड़े दूर सारे वाले नीचे पड़ के ऊपर जान खड़े हो तुम धीरे में आगे चले जाओ अरे ये आ गया दशरावत भाई आ गया। ये पत्थर है ना ये पड़ा कौन सा ये आगे पीछे पीछे तुम्हारे पांव की तरफ ये हाँ इस भी हाँ इसी के पास में तुम्हारे हाथ के नीचे हाँ ये मुंह काट रहा है इसका हाँ ये हाँ ये अरे गड़ाओ मत गड़ाओ मत ये नहीं है वो नहीं अरे गड़ाओ मत हाँ ये हाँ इसके पत्थर के नीचे ही है वो गुया हाँ ये बाहर आ गया मुंह आ गया अरे वो रो रोट पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले भैंस की देख ले नाग आटी का सर खोदी रोने और खुद ने आटी खाई विजय विजय बंद कर दे बंद कर दे वीडियो और देखो के काट दे काटू और देखो ने फड़ी के काट दे काटू मार ली चलो इसको ऐसे कैसा अरे सर चलो बाहर ले चलो इसको ऐसा कैसा डब्बी ले डब्बी बाहर ले लो बाहर इसको बाहर लिया डब्बो डब्बी ले जाके अरे वीडियो लाइक वीडियो ये तो आईडी दे जाएगा आपने उनकी अरे मेरे को यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हमारे तो ग्राम भैंसागढ़ा और आप देख सकते हैं सांप किस तरीके से निकाला गया छत के ऊपर और किसानों के घर ज़्यादातर सांप किसानों के घर में आ जाते हैं क्योंकि कच्चे मकान होते हैं और ये मकान भी अपने भोजन की तलाश में घरों के अंदर घुस जाए ये सांप एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा भारतीय नाग या नागिन और आप देख सकते हैं इस सांप को साइंस इसको नाजा नाजा के नाम से जानता है और ये सांप बहुत ही विषैला सांप होता है इस सांप के अंदर न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक जहर पाया जाता है एक बार अगर किसी को काट ले तो घंटे के अंदर मौत की नींद सुला सकता है ऐसा सांप काटने पर आप सीधा सिविल हॉस्पिटल ही जाएं झाड़ फूक हो जाके चक्कर में ना रहें वरना मारे जाएंगे वीडियो के माध्यम से हम बार बार आप लोगों को यही चीज़ दिखाना चाह रहे हैं सांपों की जानकारी बहुत ज़रूरी तो आप देख सकते हैं इसको वीडियो देख कर आप इन सांपों को पकड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें ये घातक और जानलेवा हो सकता है और हमने इसको व्यवस्थित तरीके से रेस्क्यू कर लिया है और जल्दी हम इसको अपनी प्रकृति में छोड़ेंगे तब तक बने रहे वीडियो में ढक्कन 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 यार अरे निकल जाओ भाई माँ दगा डब्बी
और दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी हम इसको अपनी प्रकृति में छोड़ेंगे। तब तक जय हिंद जय भारत। सबके ले लेना, सबको ले लो, सबका वीडियो आ जाना चाहिए, सब आएंगे यूट्यूब पे। क्या नाम था? आईडी सरफराज। सरफराज।